नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वेब चौपाल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुनील और बार्ड ऑफ ब्लड, जी हां यही है शीर्षक नेटफ्लिक्स की ताजा तरीन वेब सीरीज जो कि 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। और इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान ने और इस वेब सीरीज को निर्देशित करने जा रहे हैं रिभु दास गुप्ता, जो इसके पहले तीन और युद्ध नाम के एक टेली सीरियल में अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट कर चुके हैं। इसमें स्टार कास्ट है इमरान हाशमी की और शोभना की, इसके अलावा विनीत कुमार और कीर्ति कुल्हारी भी इस वेब सीरीज में दिखाई देंगे। दोस्तों ये एक वेब सीरीज है जिसका मिजाज एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, एजेंट विनोद और बेबी के हिसाब का है, जिसमें अंडरकवर एजेंट्स किसी मिशन के लिए जाते हैं और लोकेशन दिखाई गई है बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की सरकार इसके पहले भी कई बार आरोप लगा चुकी है कि भारत बलूचिस्तान में अशांति फैला रहा है और वहीं के किसी एक सीक्रेट मिशन पर इमरान हाशमी और उनकी टीम को भेजा जाता है। और इमरान हाशमी का किरदार इस तरह का है कि वो आतंकवादियों की षड्यंत्र का शिकार होकर एक बार उनकी जॉब जा चुकी है और दोबारा इन्हें अंडर कवर एजेंट के रूप में उनकी टीम के साथ भेजा जा रहा है जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ट्रेलर जान के तो यही महसूस होता है। दोस्तों अमूमन इस तरह की थ्रिलर देखने में दर्शकों की काफी रुचि रहती है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद की जंग में हमारी जो एजेंसियां हैं वो दर्शक इसके प्रति हमेशा उत्सुक रहे हैं देखने में। और ऐसा ही कुछ नजारा इस वेब सीरीज में ट्रेलर के हिसाब से देखने का अंदाजा लगाया जा सकता है। चूंकि ये विषय दर्शकों के सामने पहले भी कई बार पेश हो चुका है तो उम्मीद करनी होगी कि शाहरुख खान की क्रिएटिव टीम, रेड चिलीज की क्रिएटिव टीम और जो इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने कुछ इस तरह का कंटेंट रखा होगा जो कि नया और रोचक हो और दर्शकों को लुभा पाए। तो ट्रेलर तो बहुत अच्छा बन पड़ा है, एक उम्मीद जगाता है कि एक अच्छी वेब सीरीज हम दर्शकों के सामने आएगी, खासकर तब जबकि सेक्रेट गेम्स 2 ने बहुत ज्यादा निराश किया है। ऐसे में बार्ड ऑफ ब्लड का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है नेटफ्लिक्स के लिए। आपकी इस ट्रेलर रिएक्शन और बार्ड ऑफ बारूद के बारे में क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।